राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि देश के लिए करना पड़ेगा। यही के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग आजकल पटना में रह रहे हैं, बिहार में। तो पता चला कि आया है भगवान की मूर्ति के लिए, तो हम लोगों को सौभाग्य मिला दर्शन करने का। उनकी कथा के लिए आए थे, तो दर्शन के लिए आए हैं, शिला दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए। और हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि पूर्वजनों तो गिरते हुए देखा मंदिर, हम लोग बनते हुए देख रहे हैं। तो कम से कम आगे बच्चों से तो कहेंगे कि हम लोगों ने बनते हुए देखा है, पूर्वजों ने गिरते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा सपना को साकार किया। भाई और बहनों, आज हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएगा। लोगों का मन में विश्वास नहीं था और कोई लोग सोचता था कि अगर राम मंदिर कोई बनाने जाएगा तो भारत में हिंदू मुसलमान का बीच में पूरा कम्युनियल क्लैश हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और देश भी तरक्की की तरफ जा रहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम पद किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जीवन को बलिदान दिया था कि एक देश में एक प्रधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि 370 धारा के लिए हम बात भी करेगा देश में आग लग जाएगा। किसी ने हिम्मत नहीं किया। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि देश के लिए करना पड़ेगा, रिस्क लेना है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अधूरा सपना था इसको पूरा करना है। आज हमारा देश का कानून व्यवस्था का तरह हमने 370 धारा का विलोप कर दिया। किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ इसका खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। आज जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बन चुका है। आज त्रिपुरा से लोग दोबारा जम्मू कश्मीर जा सकता है, असम से जम्मू कश्मीर जा सकता है, जम्मू कश्मीर का लोग असम आ सकता है। ये हमारे लिए सपना जैसा था। कोई भारतवासी का दिल में यही बस किया था कि राम मंदिर कभी नहीं होगा। भारतवासी ये सोचने शुरू कर दिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा सपना को साकार किया, एक नया भारत का निर्माण किया। निर्माण के लिए उसी के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि इस शिला से भगवान श्री राम और जानकी की मूर्ति बनेगी। इससे खुशी की बात हम लोगों के लिए और कुछ हो नहीं सकती है। कितना खुशी का अनुभूति हुई आप लोग? इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है कि आज हम लोग कितने प्रसन्न हैं।